चर्च का लाइन बा लेकिन भाव पर गौर करेगी ठीक ए भैया भरही के बेला अब भरहरिया के बेला में कुंती और भगवान कृष्ण बुआ भतीजे थे कुंती रो रही है और भगवान कन्हैया देखत हुए आनंद कंद मुकुंद मुरली मनोहर और भगवान कन्हैया ने कहा क्यों रो रही हो बुआ कुंती ने कहा मेरे दिल में संशय है मेरे दिल में चिंता है मेरे दिल में घबराहट है कल अंतिम लड़ाई होने वाली है और उस अंतिम लड़ाई का परिणाम क्या होगा यही सोच सोच कर मेरा दिल बैठा जा रहा है मैंने कर्ण जैसा तो वीर ही नहीं देखा है धुरंधर ही नहीं देखा है न जाने क्या होगा मुझे लगता है कि मेरे पांच पुत्र जो पांडव हैं इस युद्ध को जीत नहीं पाएंगे और मैं पांच पुत्रों में से किसी को खो कर नहीं जी पाऊंगी मैं करूं तो करूं क्या करूं तो भगवान कन्हैया ही तो खुल करावे तो कन्हैया ही लगावे कन्हैया ही बुतावे भगवान कन्हैया कहे बुआ युद्ध तो मैं जिता दूंगा लड़ाई तो हम जिताए दे वादा करत है लेकिन मेरी एक शर्त है आपको एक काम करना होगा कुंता कहे का बेटा कन्हैया कहा भरहिया में नदी में कर्ण स्नान करता है और यही बेला है भोर की बेला में नदी में स्नान करता है और स्नान करके भिक्षुओं को दान देता है जो दरवाजे पर आता है मांगता है कर्णों से जो भी मांगता है दे देता है कर्ण से जो भी जो मांगता है दे देता है एक काम करो जबला महाभारत की लड़ाई में कर्ण के पास वो पांच दिव्य शक्ति बाण हो तब तक ये धरती के बड़े से बड़ा वीर आ जाए कर्ण के तुम हराए और आए न भाई तब कुंती कहा तब बेटवा ये माँ हम का करी कन्हैया कहा तू कुछ मत करा धीरे से जा अब भोरहिया में समय है चल जा देर मत कर कैसो मैसो करके कर्ण से वह बाण लेके चले तू तो हम लड़ाई जिता दे ए भैया कुंती अपने कलेजे पर पत्थर रखती है और रोते हुए चल पड़ी कर्ण के पास भिक्षुओं की लाइन लगी है अब भिक्षुवन के लाइन में कुंती मतारी इच्छा साल ओढ़ के अब भिखारी बन के लाइन में लगी के बैठ गई और जब बैठली ना भैया कर्ण नहा करके सूर्य को जल दे करके भिक्षुओं को दान देना शुरू कर दिया दान दे 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 जब आखरी नंबर कुंती का आया तो कर्ण जब भिक्षा देने लगा तो कुंती उठकर खड़ी हो गई और बोली कि मुझे अन्न नहीं चाहिए मुझे दाना नहीं चाहिए तो कर्ण हथवा जोड़ के खड़ा हो गया माई तू धर्म का माई हो तू हऊ के अच्छे भी हो खा अगर तो के अन्न का दाना नहीं चाहिए पानी नहीं चाहिए तो तुमके चाहिए बोला माई अपना परिचय दीजिए आखिर आप कौन है भाव में बताओ गई भैया सिर झुका करके आंख नीचे करके कही कि कर्ण मेरा नाम कुंती है और मैं तुम्हारी माता हूँ तुमने मेरे कोख से जन्म लिया है तुम मेरे जिगर के टुकड़े हो मेरे बेटे हो मेरे लाल हो मैं तुम्हारी माँ कुंता हूँ जब कर्ण सुना तो कहा माई इतना दिने तू कहाँ रहो आज इस बेटे की याद आई है और यदि याद आई माँ तो कोई स्वार्थ होगा कोई कारण होगा
इतने वर्षों में आज तक आपने मेरा हाल चाल नहीं लिया, मुझे याद तक नहीं किया, और आज अचानक आप भिखारिन बनकर के मेरे सामने आ गई और कहती है कि मैं तुम्हारी माँ कुंता हूँ। हमको विश्वास नहीं है आप मेरी माँ है। कर्ण सूर्य देव से पूछा था कि हे सूर्य देवता, जब हमार माई असल की माँ न कभो भेटाई जाई तो हम कैसे पहचानब कि हे हमार माई कुंती हो। तो सूर्य देवता ने एक साड़ी दिया था, वस्त्र दिया था, और कहा था कि कर्ण अगर तुम्हारी असली माँ होगी तो इस वस्त्र का तेज बर्दाश्त कर लेगी, और अगर नकली होगी तो फौरन पहनते ही भस्म हो जाएगी। कर्ण वस्त्र लाया है। अल्लाह करके कहा माई, अगर तू हमार सग माई हो तो एक काम करा, बेटवा बदे है सरिया पहिर के हमके दिखाई देते। कुंता को पता नहीं है, कुंता कली कैसो मैसो बाण ले चली, मन में उनके ही विचार बा। कुंता गली सरिया पहिर के कम से कम जब एक घंटा बीत गया खड़े खड़े बात करते करते, तब कर्ण से बर्दाश्त नहीं हुआ, समझ गया मेरी माँ यही है। कर्ण कुंती के पैरों में गिर पड़ा बाबू, और पीट करके अपना सर कुंती के पैरों में रोने लगा और बोला कि तुम्हें मेरी कसम है माँ, क्या कारण तुम मेरे पास आई? तो कुंती कहती है बेटा, कल अंतिम युद्ध है, अंतिम लड़ाई है, मैं अपने पांच पुत्रों में से किसी को खोना नहीं चाहती लाल, इसलिए मुझे तेरे पांच बाण चाहिए। जन कर्ण सुना है, पैरों से उठा है, कुंती से छह कदम दूर होकर सवाल कर दिया, क्या बतावा जननी, आखिर तू बाण है बड़े मांगे आई लो, तो सुना हमार बात का। बाभन के रूप धर से मैंने जन्म लिया उसी गोक से अर्जुन नकुल सहदेव भीम धर्मराज ने जन्म लिया है, बड़ा पुत्र मैं हूँ माँ, तो मुझसे इतनी नफरत और पांडवों से इतनी ममता क्यों है? जो भी आता है मेरे साथ छल करके चला जाता है, मैं देखता रहता हूँ। देवताओं के राजा इंद्र पुरंदर कहते हैं आए और मुझसे मेरा कुंडल कवच ही मांग कर चले गए, लेकिन माँ क्या माई,
आज मेरे पास अयोध्या बाण मांगे, हमार शक्ति मांगे, वो कहे बधे माई, हमारे सवाल का जवाब दे दा माई, हम बाण दे दे तो क्या, बस हमारे चट सवाल का जवाब दे दा, बाण लेके चल जा, हमके कोनो बेतराज ना रही, करण ऐसा ऐसा सवाल करता कि कुंती के सीने में बाबू सूल जैसा चुभता, कुंती सुनती जा रही है, आंख से आंसू गिरता जा रहा है, करण कहता है माई तोहरे गोदिया के हम पांडव प्यार ला गई हम दुश्मनवा, तोहरे कोखी का बहु पैदा है, तोहरे कोखी से पांडव भी, पांडव से इतनी ममता कि पांडवों के लिए आप मेरी शक्ति मांगने चली आई, लेकिन एक बार इस बेटे के बारे में नहीं सोचा, इतने वर्षों से मैं अकेला जीता आया हूँ और आज आप मेरे बाण मांगने चली आई, किस मुँह से आप बाण मांगने आई है माता, ये भैया रोकर कहा द्रोणाचार्य सूद पुत्र का हमारा तनवा, द्रोणाचार्य मुझे चिढ़ाते हैं कि तू सूद पुत्र है, तेरा कोई वजूद नहीं है, माई हमारे जगह तू हो तू तो समझ में आए कि दर्द क्या होता है, अगली लाइन में कहना बा भैया कौरवों को छोड़ दे, कौरवों को छोड़कर पांडवों का साथ दे, पांडवों का बड़ा भाई बन जा, तब कर्ण रो कर कहा माँ घात आप कर सकती है, विश्वास घात आप कर सकती है, लेकिन कर्ण नहीं कर सकता, कर्ण जिसे वचन दे दिया वादा कर दिया तो मरते मर जाएगा लेकिन निर्वाह कर रहेगा, एक काम करा माई तू चली जा पांडव की ओर, सुशील कवि जी जो कि अच्छा उपेंद्र लाल यादव जी की साज में बड़ी ही सुंदर आपकी एक अहम भूमिका है, जो कि हारमोनियम बजाते हैं, बड़ी सुंदर बजाई की बात कवि जी की कर कमलों द्वारा सुंदर पुष्पहार, इधर रिकॉर्डिंग भी चल रही है, हारमोनियम भी बजाते हैं और राइटर भी है, लेखक भी है, पुष्पहार 101 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत प्रणाम नमस्कार, ये बात कही एक खूबी किसी किसी को मिलती है, मेरे गुरु जी हैं, हारमोनियम बजाते हैं, गीत भी लिखते हैं, दूध भी बेच लेते हैं, भैंस भी लगा लेते हैं, तो ऐसे कम इंसान होते हैं, कहना है भैया
माँ मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब दुनिया ने धिक्कार दिया तो दुर्योधन ने मुझे अपना लिया और दुर्योधन ने मुझे अपना भाई बनाकर मित्र बनाकर देश का राजा बना दिया और आज मैं चार समाज में लोगों के बीच बैठ पा रहा हूँ तो दुर्योधन का एहसान है। तो मैं किसी का एहसान नहीं मिट सकता, इसलिए तू जा, हमारी चिंता मत कर। लेकिन सुना नहीं घर की दर हो जाती, तू मुझे पानी में ना बहाती, अपने सीने से लगा करके रखती माँ, अपने स्तन का दूध तक नहीं पान करवाया तूने, तू कैसी माँ है माँ। कहता है इसलिए मेरे लिए तेरे दिल में कोई ममता नहीं है माँ। अच्छा, लेकिन कुंता करे तो करे, का करे, आंसू घर का जात हो पूछा जाते, अब बेटवा का सोल जैसा बात बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन करे भी तो क्या लायक माँ है। कर्ण की भी फिक्र है और पांच भाइयों की भी फिक्र है। कुंती ऐसा दुविधा में फंसल है कि बेटवा की बचाई कि पांच बेटवा को बचाई। कहना भैया का कर आखिरी बात बोला, मैं अपना बाण नहीं देने वाला हूँ। आप जा सकती है। कुंती जोर से रोई है और रो करके बाबू चार कदम आगे गई है। कुंती को रोई करण से नहीं बर्दाश्त है। करण कहा, रुकिए माँ, आपके अंदर दया नहीं ना सही, ममता नहीं ना सही, पर मैं तेरा बेटा हूँ, सुन मेरी बात, सुनती जा, तू चिंता मत कर कल के युद्ध में क्या होने वाला है। इस युद्ध के तीन लोग जानते हैं, इस युद्ध में तीन लोग जानते हैं कि कल के मराई या के जी। तब तक कुंती करण को गुड़गल धाई पड़ी, कर्ण उठा लिया अपने हाथों से, नहीं माँ, मुझे नर्क का भागी मत बना, तू माँ है, माँ ही रहेगी, सुन मेरी बात। कहता है कर्ण, क्या दादा जानते हैं, भीष्म पितामह जानते हैं, अब जे लगावे ला जे बुझावे ला तो हारो भतीजा, वो जो नेवे के तरह कभो यह कभो यह कन्हैया।
वो जानत हुआ कि कल कौन मारा जाएगा, कौन जीवित रहेगा माँ। तो तू चिंता मत कर, रुक जा, मैं आता हूँ। कर्ण जाता है बाबू, बाण अपने पांच उठाता है और पांचों बाण जब कुंती के हाथ में देने लगा तो उसके आंसू बाणों पर गिर पड़े और विचार कर गया कि अब मैं नहीं सही, अब मैं शायद इस दुनिया में रहूंगा। क्योंकि कुंडल कवच एक शक्ति था, इंद्र मांग ले गए और दूसर का वो पांचों बड़वा में दिव्य शक्ति रहे। जब तक वो बाण रहता कर्ण को कोई नहीं मार पाता। यही बदे तो कन्हैया चाल करवाए कि बुआ तू बड़वा लिया ले तू तो बाकी संविधान तो हम लिखी दे, बाकी तो हम निपटाया दे। कुंता रोते हुए पांचों बाण पाती है और पा करके चल देती है पांडवों की तरफ। अंतिम लाइन में कहना भैया,